मुहद्दिस हम्बली फरमाते कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मा वजदतुक अक्वामन अफ़ज़ल मिन अहले तसव्वुफ मिन सूफिया, फरमाया मैंने तसव्वुफ वाले सूफिया से बेहतर दुनिया में कोई तबका नहीं देखा जितना आला और अरफा और अफजल तबका सूफिया का देखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल से मजलिस में किसी ने कहा कि हजरत हुम यस्तमेऊन व यरकसून, हजरत आपने अहले तसव्वुफ को कहा कि अफजल लकवाम हैं, ये सिमा करते हैं और रक्स करते हैं। किसी ने कहा ये सिमा करते हैं और, तो इससे ये भी पता चला साहिल के इतराज से कि सूफिया का वजद उस वक्त से है, आज की बात नहीं है। एतराज किया कि यस्तमेऊन व यरकसून, सिमा करते हैं और रक्स करते हैं तो फिर कैसे अफजल हुए। कुर्बान जाए इमाम अहमद बिन हम्बल के जवाब पर, उन्होंने फरमाया दाहुम यफरहून मा अल्लाह सातन, वो वजद करते हैं रक्स करते हैं और जो कुछ वो करते हैं, फरमाया उनको छोड़ दो उनके हाल पर, वो एक लम्हा मौला की मैयत में खुशी मनाते हैं। फरमाया वो एक लम्हा अपने यार महबूब हकीकी की मैयत जब मिलती है, जब वो सुनते हैं तो सिमा अपनी तासीर के साथ उनके कल्ब और बातिन में उतरता है, उस वक्त वो वारदात में होते हैं, उस वक्त वो मुशाहदात में होते हैं, उनका जिस्म साइफ में होता है, उनकी रुआइश में होती है। ये मुसावतें तय करके अनवार और तजल्लियात इलाहिया और कुर्बत इलाहिया के समंदरों में गोताखोर होते हैं, हिजाबात उठते चले जाते हैं, उस लम्हे वो हालत जज्ब में होती है जब तजल्ली निगाह के सामने होती है और महबूब की कुर्बत का एहसास होता है, तो उस वक्त अपने काबू से निकलकर वज़्द करते हैं रक्स करते हैं। फरमाया उस लम्हा उन्हें यार के साथ खुशी कर लेने दो। ज़िमनन बात आ गई, उलमाए कराम बैठे हैं अहले इल्म हैं, उनके काम नुक्ता आ जाएगा, अर्ज कर दो ये जो सूफिया का तसव्वुफ़ और तसव्वुफ़ के सब तुरुक हैं और वो तुरुक हैं, उनमें कोई सीमा भी है, उसमें कोई वज्द भी है, कोई नहीं भी है, तो जिक्र में भी वज्द है। ये जो फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन वाला जुनूबहुम, कि मौला के बंदे वो हैं जो जिक्र करते हैं हालत क़ियाम में भी, खड़े भी जिक्र करते हैं, बैठे भी जिक्र करते हैं, वाला जुनूबहुम और अपने पहलुओं पर भी जिक्र करते हैं, कभी जिक्र में खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं, कभी पहलुओं के बल लौटते हैं, हर हर पहलू में खुदा का जिक्र करते हैं। इसलिए कि जो लोग उसकी याद में जिक्र में पाते हैं, और वज्द का माना है पा लेना। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।